आंदोलन होने के बावजूद भी हम नियुक्ति से दूर हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है कि हम शूद्र हैं, हम दलित पिछड़े हैं, इसलिए हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार में पिछड़ों की कोई वैल्यूशन नहीं है। योगी बाबा हमें बुला करके न्याय देते हैं, फिर भी आज 14 महीने बाद भी हम चैन से दूर हैं। आज हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही, हमें विद्यालय में नहीं पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि हम दलित पिछड़े हैं। ये सरकार दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है। जब बात वोट की आती है तो इन्हें पिछड़े याद आते हैं, जब बात हमारे न्याय की आती है तो ये पिछड़ों की कभी नहीं। घोटाले के चक्कर में इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई मिलेगा, हम यहाँ पर आत्मदाह कर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। हमारे वर्ग के शिक्षा मंत्री हैं, पिछड़े होने के बावजूद भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर बुला रहे हैं मंत्री जी को, लेकिन निकल के नहीं आ रहे हैं। लगातार संघर्ष आप लोगों जारी है उसके बाद। हमने 3 साल सड़कों पे लाठियां खाई हैं, हमारी सीटें किसी और जनरल अभ्यर्थियों को दे दी गई और हम सही होते हुए भी आज संघर्ष कर रहे हैं। और जो गलत है वो नौकरी के लिए कोई आदेश नहीं आ जाता है, क्योंकि लगातार सरकार उम्मीद है आप बची हो या ना, हम तो बस एक उम्मीद लेके आए हैं, या तो हमें न्याय मिलेगा या हम यहीं पर सब आत्मदाह कर जाएंगे सामूहिक। संघर्ष जारी रहेगा बिल्कुल। मुख्यमंत्री से हमें पूरा विश्वास है, वो हमारी, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ तक हमारी बात पहुँचाते ही नहीं है। हमारे CM बहुत अच्छे हैं, वो हमारी सुनेंगे और जरूर हमें न्याय दिलाएंगे। उन्हीं लिस्ट आई थी, विसंगति उन्होंने मानी थी, लेकिन अब वापस से उन लोगों पर मनसा ऐसी हो गई कि पता नहीं वो क्या समझाते हैं, उन्हें क्या बताते, कुछ नहीं पता चलता। अपनाना पड़ रहा है कि अब सब हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक हमें न्याय जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा हम यहाँ सब यहाँ हटेंगे नहीं, जाएंगे लेकिन नियुक्ति लेके जाएंगे। पहले हम लोग की ज्वाइनिंग होनी थी, इलेक्शन करवा लिए, ना ज्वाइनिंग दी ना कुछ, और कोर्ट लड़ते लड़ते हम लोग की 6800 की लिस्ट भी कैंसिल करा दी। सरकार बस यही कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे और यहाँ सब जाएंगे नहीं। बस बहुत धरना दे लिया, बहुत धरना दे लिया, अब कुछ हो नहीं रहा है। इसके आगे देख ही रहे मंत्री जी, बाहर भी नहीं रहे, बस वो धीरे से बाहर चले जाते, हम लोग को बताते भी नहीं है क्या है क्या नहीं, बस हमेशा अंदर बुलाया जाता है, पता नहीं क्या बातें होती हैं, बस आश्वासन देके।